दो दिन पहले चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने अनाउंस किया वो अपने 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में लगा रही है विद द हेल्पिंग ऑफ BYD एंड DBG इंडिया। और दोस्तों अगर आपको ये दो कौन है पता नहीं तो घबराना मत, BYD चाइना की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार में डील करती है और उनका इलेक्ट्रिक पार्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्ट्री बहुत ही तगड़ी है और DBG कंपनी चाइनीज टेलीकॉम फर्म्स को पार्ट सप्लाई करती है। इनफैक्ट चाइना में ही नहीं बल्कि हवाई में भी वो कंपनी अपने पार्ट्स सेल करती है। इतनी बड़ी दो कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो इसका क्या मतलब होता है? स्मार्टफोन कंपनीज इंडिया में अपने प्लांट्स लगा रही है तो इसका क्या मतलब होता है? रियली इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है या फिर नहीं? कैसे शुरू से इंडियन गवर्नमेंट में अपने पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाए तो इस वीडियो में देखने वाले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पहली बार मेरे चैनल पे आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं रियली इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। अगर बाहर की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा रही है तो इंडिया की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, चलो एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा जब नरेंद्र मोदी 2014 में PM बने सो उसके बाद 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग को तगड़ा सपोर्ट दिया है और उसके लिए मोबाइल एंड उसके पार्ट्स लोकली बने और लोकली सेल होके बड़ी कंपनी अपने कंपनीज में वो लोकल पार्ट्स यूज करे। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया था लेकिन फिर भी फॉरेन कंपनीज अपने देश से मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स लाती थी और वो इंडिया में असेंबल करती थी। सो 2015 में गवर्नमेंट ने जो भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते थे उनके ऊपर हेवी ड्यूटीज या फिर हेवी टैक्सेस लगाए। ऐसा सोच के अगर मैन्युफैक्चरर्स को सम पार्ट्स अगर एक्सपेंसिव मिल रहे तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करेंगे, बट ऐसा हुआ तो नहीं, उल्टा अपोजिट हुआ। मैन्युफैक्चरर अपने देश से ही पार्ट मंगवाते थे और इंडिया में सेलफोन की प्राइस बढ़ गई थी और अल्टीमेटली इस सब का बुरा इफेक्ट कंज्यूमर के ऊपर हुआ क्योंकि उसको स्मार्टफोन हाई प्राइस में मिलने लगे। गवर्नमेंट को यह समझ में आ चुका था हम ऐसे ही उठ के किसी भी कंपनी को बोल नहीं सकते अपने कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक पार्ट्स हमारे देश में बनाओ। सो गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ एक अच्छा खासा हेल्दी बैलेंस होना चाहिए इसमें और फिर गवर्नमेंट ने एक अलग ही अप्रोच लेने का ट्राई किया और मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में तैयार हो इससे लिए एक सॉलिड प्लान बनाया। सो इस प्लान के मुताबिक 2015 एंड 2020 में धीरे धीरे कस्टमर ड्यूटी इलेक्ट्रिक्स पार्ट के ऊपर बढ़ाई जाएगी। छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं जैसे चार्जर हैंडसेट का कवर इसके ऊपर हेविली टैक्सेस लगाना चालू कर दिए। जो पार्ट छोटे थे और कंपनीज आसानी से इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी जिस पार्ट में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी उस पार्ट पे गवर्नमेंट ने हेवी ड्यूटीज लगाना चालू किया। इसका इफेक्ट ओनली 20% हुआ क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स थे जैसे सैमसंग सोनी इनके लिए इंपोर्ट करना फिर भी चीपर ही था और इसलिए वो अपने देश से ही मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स मंगवाते थे। गवर्नमेंट ने जैसा सोचा था वैसा ये प्लान वर्क तो नहीं किया इसलिए 2017 में गवर्नमेंट ने बैटरीज कवर माइक स्पीकर्स एंड USB केबल पे हेवी ड्यूटीज लगाए। बट अगेन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो ऐसे छोटे छोटे चीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे सो सिचुएशन सेम ही रही। और उसके बाद एक चेंजिंग डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया जो था हेवी कस्टम ड्यूटी लगाना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पे और इसका इफेक्ट एकदम वंडरफुल हुआ। बट अगेन सैड बात ऐसी है जो भी सर्किट बोर्ड बनते हैं उसकी मेन मैन्युफैक्चरिंग जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो अब्रॉड में बनती है और यहाँ पे वो सिर्फ असेंबल होते हैं। तो गवर्नमेंट के समझ में आ चुका था अभी हमें बहुत काम करना है और इसके बाद गवर्नमेंट को जो भी चीजें कंपनी असेंबल करती थी उसके ऊपर हेवी ड्यूटीज लगानी थी जो कि गवर्नमेंट ने 2019 में किया। लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग की कम्युनिटी थी इंडिया में उन्होंने इसको ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उल्टा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने से गवर्नमेंट को ये स्कीम होल्ड करनी पड़ी। बट फिर भी अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया था एज कम्पेयर टू 2015, जो कम वैल्यू वाले आइटम लगते थे इलेक्ट्रिक पार्ट्स में वो अभी फॉरेन से या फिर अब्रॉड से मंगवाए जाते थे लेकिन जो हाई एंड वैल्यू वाले प्रोडक्ट थे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होने धीरे धीरे चालू हो गए थे। बट फिर भी सर्किट बोर्ड्स स्पीकर्स माइक टच पैनल ऐसे कई सारे इम्पोर्टेंट चीजें इंडिया में नहीं बन रही है। सो गवर्नमेंट को इसके बारे में क्या करना चाहिए? इसके बारे में डीपली सोचने के बाद गवर्नमेंट को ध्यान में आया प्रोडक्शन लिंक इंक्रीज करना पड़ेगा। ओनली हेवी ड्यूटीज अप्लाई करने पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं बढ़ेगी बल्कि गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियली और इसलिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स लोकली मैन्युफैक्चर हो इसलिए गवर्नमेंट ने 41,000 करोड़ मैन्युफैक्चरर्स के लिए रख दिए जिसका यूज करके
मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में सर्किट बोर्ड बना सके। और जैसे ही चाइना की सबसे बड़ी कंपनी शाओमी को गवर्नमेंट ने अपने कंट्री में अट्रैक्ट किया, वैसे छोटे मोटे और भी मैन्युफैक्चरर इंडिया में आने लगे और तभी से मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई। बट हमें इतने से खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट और जो भी मेन पार्ट्स लगते हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। सिर्फ हाई टैक्सेस लगाने से चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाए, चाइना ने अपने प्रोडक्शन पे मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है। सप्लायर्स का नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशन एंड रूल्स, इस पे चाइना ने जितना काम किया है उतना ही काम इंडिया को करना पड़ेगा अगर हमें उनको टक्कर देनी है तो। सिर्फ चाइना की चीज़ें बायकॉट करने से कुछ नहीं होने वाला, अल्टीमेटली मेन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में हम चाइना के ऊपर डिपेंड ही है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड फाइनेंस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि कहीं भी पार्ट्स बने तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरर्स को खड़ा करने के लिए फंडिंग होनी चाहिए। ऐसे ही अच्छी अपडेटेड नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।